नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक मेल हैंड के बारे में जो कि यूएसए से मुझे भेजा है। अब इस हैंड में बहुत सारी विशेष चीज़ें हैं जिससे आप रिलेट करेंगे, जिससे आप सीखेंगे, और मैंने इमेज को इन्वर्ट किया है, यानी कि नेगेटिव किया है, जिससे आप एक एक चीज़ को समझ पाएँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपको भी पूछना है कुछ तो नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, आप पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एनालिसिस जो होते हैं वो पेड होते हैं, उसकी निश्चित फीस आपको देनी होगी। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनकी उम्र जो है वो 25 वर्ष के आसपास है, और ये एक बिजनेसमैन है, और बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही है। ऐसे में बिजनेस में सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप एक चिन्ह यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। इसको हम मूल कहते हैं, यानी कि हम तिल कहते हैं, ब्लैक तिल है। और ब्लैक तिल यहाँ पर, यानी कि पॉजिटिव मार्स पर, यानी कि मंगल के पर्वत पर होना कुछ चीज़ों को दिखाता है। पॉजिटिव बात करूँ तो व्यक्ति काम होता है, कूलनेस होती है उसके अंदर। लेकिन इसकी जो डार्क साइड है वो ये है कि इसके अंदर कंपोजर नहीं होता, मतलब काम करने का जो ढंग होता है वो नहीं होता, और जरा जरा सी बातों पर, या कहूँ जरा जरा सी चीज़ों पर ही आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा एंग्शियस होता है, और कई बार बार डिस्टर्बेंस इसको देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके हाथ में भी ये चीज़ है तो आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बार बार हर चीज़ में आप अगर नुक्स निकालेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होंगी। वहीं अगर हम आगे थोड़ा सा और बढ़ें तो आप देख रहे होंगे कि इनकी जो हार्ट लाइन है वो चेन नुमा चल रही है कुछ इस तरह से। अगर आप, मैं और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर काफ़ी हद तक एक चेन फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये अगेन इस चीज़ को दिखाती है, ये पूरी है लेकिन ये अपवर्ड में चल रही है, और यहाँ पर आगे जाके दो भागों में भी विभक्त हो रही है, यानी कि यहाँ पर इसमें दो भाग इसके बढ़ रहे हैं। अब ये सेंसिटिव बाय नेचर है व्यक्ति, साथ साथ दूसरे लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं इस चीज़ को भी मैटर करते हैं, और अपने डिसीजंस को कहीं ना कहीं ये होल्ड भी करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, वो है इनकी माइंड लाइन। अगर इनकी माइंड लाइन को आप देखें, जो कि अगेन इसमें ये कुछ रेशे से आप कह सकते हो, या कुछ लाइंस इसमें इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो ये तो दिखाती हैं कि इनकी जो सोच है वो अपवर्ड्स की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ इनकी सोच है, आगे बढ़ना चाहते हैं ये। लेकिन इनकी जो लाइफ लाइन है, ये हमारी लाइफ लाइन है और ये हमारी माइंड लाइन है, इसमें बीच में आप गैप भी देख रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपने मन का मालिक है। ये व्यक्ति किसी की नहीं सुनेगा, जो एक बार डिसाइड कर लेगा, चाहे वो खुद से डिसाइड करे या कोई इसके ऊपर चीज़ें थोपे या जो भी चीज़ें ये करेगा, मतलब ये कि जो इसने गलत डिसीजन ले लिया या सही डिसीजन ले लिया, ये उसके ऊपर ही अडिग रहेगा, और उससे इसको आगे चलकर प्रॉब्लम भी यहाँ पर होंगी। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बता रहा हूँ, और इन्वर्ट करके इसलिए ही दिखाइए, नेगेटिव करके इसलिए ही दिखाइए आपको, जिससे आप चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ पाएँ। और आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप देखें हाथ की कंडीशन को, तो यहाँ पर जो लाइफ लाइन आ रही है वो गोलाई में आ रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ गैप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक गैप भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये हेल्थ इश्यूज़ की तरफ दिखाता है कि इनको आने वाले समय में कुछ हेल्थ इश्यूज़ होंगे, और बीपी से जुड़ी हुई समस्याएं इनको हो सकती हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ पर उंगली करने वाला होता है, या हर चीज़ पर आंदोलन करने वाला होता है, हर चीज़ को एक तरीके से कह सकता हूँ कि हर चीज़ में जो आदमी प्रॉब्लम ढूंढता है, वो उक्त मतलब उच्च रक्तचाप की समस्याओं से ग्रसित भी होता है। अब भाग्य रेखा की तरफ एक बार हम आगे चलते हैं। भाग्य रेखा अगर आप देखें तो बहुत ही कमज़ोर इनके हाथ में दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये देखिए, भाग्य रेखा इनकी थोड़ी सी चल रही है लेकिन यहाँ पर आके रुक गई है। तो यहाँ पर अभी इनकी उम्र 25 से 26 साल के आसपास है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आने वाले जो 7-8 साल हैं उसमें ये फिर से
अपने प्रोफेशन को चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो एज फैक्टर यहाँ पर आ रहा है उसमें लगता यही है देख के कि आने वाले दिनों में ये अपने प्रोफेशन को काफ़ी हद तक चेंज करेंगे। वहीं अगर हम सन के माउंट को देखें, ये पूरा सन का माउंट है, उसमें जो सन लाइन है वो भी कुछ इस तरह से यहाँ पर वाई बना रही है। तो अगेन वही बात आ जाती है कि सन लाइन तो है, अगर हम और इसको थोड़ा सा डार्क करूँ, मैं एक बार मैं आपको पुनः करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सन लाइन तो है लेकिन दो दो सन लाइन इस तरह से क्रॉस बनाती हुई चल रही हैं, वाई भी बना रही हैं क्रॉस भी बना रही हैं। तो सक्सेस तो मिल रहा है लेकिन साथ साथ खड़ूस है, चीज़ों को ढंग से नहीं करता, ये चीज़ें इनको देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर हम बराबर में जो माउंट है जो कि हमारा बुध का माउंट है उस पर अगर देखें तो कुछ लाइंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, बिजनेस की एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बिजनेस की समझ काफ़ी अच्छी है, लेकिन व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरों के कहने में चलने वाला होता है। वहीं अगर हम एक इंडिकेशन को और देखें तो यहाँ पर इनकी जो इंडेक्स फिंगर है वो इनके रिंग फिंगर से बड़ी दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी निकल कर आती है कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा सोचने वाला, एनालिटिकल करने वाला है, लेकिन इसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इफ़ेक्ट हो रही है इसके अपने ही ख्यालों में। देखिए, ज़्यादा सोचना जो होता है वो किसी भी हाल में अच्छा नहीं होता। वहीं पर कुछ लाइंस इसकी अपॉर्चुनिटी की ऊपर की तरफ बन रही हैं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट वही वाली बात है कि डिसीजन मेकिंग जो है नहीं है। वहीं एक लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि हमारा है किसका पर्वत, सैटर्न का पर्वत, शनि का पर्वत। तो यहाँ पर भी एक लाइन हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये लाइन यहाँ पर अगर इस तरह से मिल जाती तो मैं ये कहता कि बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, लेकिन अभी भाग्य रेखा नहीं है। तो लाइन है तो यहाँ पर आगे चलकर ये व्यक्ति काफ़ी हद तक नाम कमा सकता है। और अच्छी सक्सेस क्यों मिल रही है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। भले ही इसकी जो आपकी जीव आपकी जो हृदय रेखा है वह चेन फॉर्मेशन में है, बट वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और जब ऊपर की तरफ आपकी मूव कर रही है तो ऐसा व्यक्ति जिगरे वाला होता है, साथ साथ प्रैक्टिकल होता है। अगर ये लाइन इस तरह से यहाँ आती तो मैं बोलता कि लव मैरिज के चांसेस बनते हैं, बंदा काफ़ी हद तक काइंड हार्टेड है, लेकिन ऐसा व्यक्ति काइंड हार्टेड नहीं है, ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल की तरफ जा रहा है। लव मैरिज अभी भी कर सकते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर, ऐसे व्यक्ति अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। दूसरा, अगर मैं इनको सजेशन दूँ तो मैं ये बोलूँगा कि भाई आपका जो हैंड है वो इस तरह से स्क्वायरिश फॉर्म में तो है लेकिन प्योर स्क्वायरिश फॉर्म में नहीं कहा जा सकता। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि अभी आप जॉब कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपकी उंगलियों का साइज़ और आपके पाम का साइज़ लगभग सेम सा दिखाई देता है, तो जॉब करना आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आप जॉब करिए। दूसरे की सुनने की आदत डालिए। यहाँ पर भी आप देखें तो रीजनिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है लेकिन जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी मुझे कम दिखाई देती है। ब्रेसलेट्स की हालत भी कुछ खास नहीं है, और जो ये मूल आया है वो आपको उस तरह से हेल्प नहीं कर रहा है बिजनेस में जो नहीं आपको आगे हेल्प करेगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप जॉब की तरफ जाइए तो ज़्यादा बेटर है, व्यापार करना आपके लिए उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, जॉब में भी प्रॉब्लम आएंगी लेकिन वो प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिनको आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हाई लॉस आप व्यापार में बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं? सबसे पहली रेमेडी तो यही है कि ऑर्गेनाइज्ड बनिए, अपने जो डिसीजंस हैं उनको रिव्यू करिए, क्योंकि जो डिसीजंस अभी तक आपने लिए हैं वो डिसीजंस आपके अच्छे नहीं दिखाई देते। ऐसे एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और अगर आप भी एनालिसिस कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर करा सकते हैं। जय हिंद।